हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में भी बताया था और फिर पास्ट इनडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। आज मैं स्टार्ट करूंगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। आज मैं आपको बताऊंगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अब कैसे किसी भी शब्द को, किसी भी सेंटेंस को देख के हमें पता चलेगा कि ये शब्द या सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें रूल्स देखने पड़ेंगे कि क्या क्या रूल होते हैं किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए। रूल फर्स्ट में, अगर हम किसी भी सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसमें सेंटेंस के लास्ट में रहा, था, रही, थे इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रूल सेकंड में क्या क्या चीजें हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रही हूं, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और आईएनजी जुड़ जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वॉज या वर के साथ नॉट का यूज किया जाएगा और वर की इसमें फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस क्या होगा उसमें आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या होता है? वॉज या वर आपका पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट रहेगा और फिर वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। तो ये तो थ्री टाइप्स के सेंटेंस हुए आपके। अब मैं आपको बताऊंगी उसके एग्जांपल्स, उसको आप देखिए। Examples of past continuous tense. अब हम first क्या देखते हैं? Positive sentence. अब मैं आपको बताने जा रही हूं positive sentence के कुछ examples, जिसको आप translate करेंगे हिंदी to English में। तो इसका पहला है, वह अपना पाठ याद कर रहा था। अब आपने देखा यहां पे रहा था लास्ट में आ गया सेंटेंस के, इसलिए ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका हम आपको बताएंगे कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। ही वॉज
लर्निंग हिज लेसन। अब यहां पे वॉज देख रहे हैं, आपने देखा सिंगुलर के साथ वॉज का यूज किया जाएगा, ही शी इट के साथ वॉज का यूज होगा और आई वी यू दे के साथ वर का यूज होगा, प्लस इसमें वर की फर्स्ट फॉर्म थी और इसमें आई एन जी का यूज करा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सरला नाच रही थी। इसको ट्रांसलेट करेंगे, सरला वॉज डांसिंग। बहुत ही सिंपल होता है इसे करना। नेक्स्ट सेंटेंस, अर्जुन चिल्ला रहा था। इसको ट्रांसलेट करेंगे, अर्जुन वॉज क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे, सेंटेंस फोर इसका होगा, मेढक टर टर कर रहे थे। द फ्रॉक्स वर क्रुकिंग। सेंटेंस फाइव, हम लोग मजाक कर रहे थे। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, वी वर जोकिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस को, किस तरह से हमें पहचान होनी चाहिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। फर्स्ट है, मैं सो नहीं रहा था। अब यहां पे आ गया नहीं, इट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसको चेंज करेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। अब यहां पे नॉट लग गया तो आपको पता चल गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, तेंदुआ हिरन को नहीं दौड़ा रहा था। अब यहां पे रहा था आ गया है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द लेपर्ड वॉज नॉट चेजिंग द डियर। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे, नाविक नाव नहीं चला रहा था या खे रहा था, नाव खे में खेना भी लिखा जाता है, खे रहा था चला रहा था। द बोटमैन सॉरी मैन वॉज नॉट रोइंग द बोट। नेक्स्ट सेंटेंस आप लेंगे, सेंटेंस नंबर फोर, पक्षी आकाश में नहीं उड़
रहे थे। अब यहाँ पे होगा द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अब सेंटेंस नंबर 5, शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग इन द क्लास। यहां पे मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, क्या तुम स्टेशन जा रहे थे? अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वर यू गोइंग टू द स्टेशन? क्या यहां पे वर होगा, वेयर नहीं होगा। क्या शेर दहाड़ रहा था? वॉज द लैंड रोरिंग? यहां पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3, तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे? हुज किसकी के लिए आएगा? हुज बुक वर यू रीडिंग? अब मैंने आपको ये बताया, जब क्या सेंटेंस के पहले रहता है तो वहां पे वॉज या वर पहले कर दिया जाता है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, किसकी यहाँ पे बाद में आया है, इसलिए हुज से सेंटेंस स्टार्ट होगा। हुज बुक वर यू रीडिंग? क्वेश्चन 4, सेंटेंस नंबर 4, आज शाम को समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें क्यों उठ रही थी, क्यों उठ रही थी? इसका होगा, चेंज करेंगे इसको, ट्रांसलेट करेंगे, वाई वर द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग, उठना राइजिंग, सो हाई
दिस इवनिंग. नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे हम, आज रात को बच्चा जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था? Why was, अब यहां पे एक बच्चे की बात हो रही है इसलिए was लगा है. Was the child crying so loudly this night? मैंने आपको यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के थे. थैंक यू फ्रेंड्स. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए.